आज का हमारा विषय है छायावाद की ऐतिहासिकता। इस विषय को चुनने का कारण मुख्य रूप से ये है कि एक तो ये छायावाद जो है ये हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में बीए सेकेंड ईयर में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें है, और उसके पांच जो मुख्य कवि हैं उसमें से चार कवि प्रसाद, निराला, पंत और चंद्र कुंवर बर्तवाल छायावादी कवि हैं। इसलिए बीए सेकेंड के छात्रों को छायावाद को ठीक से समझना आवश्यक है। दूसरे, छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और हिंदी साहित्य के इतिहास का, खासतौर से आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास का अध्ययन किसी को अगर करना है ठीक से तो उसे छायावाद को समझे बिना काम नहीं चल सकता। यह जो काव्य आंदोलन है ये आगे भी स्नातकोत्तर स्तर पर भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और हिंदी कविता के किसी भी अध्येता के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है, तो इस कारण से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब हम किसी भी काव्य की ऐतिहासिकता की बात करते हैं तो एक बात हमें उसके दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप में समझ लेनी चाहिए कि कोई भी साहित्यिक रचना और दूसरी भी साहित्यिक के अलावा, चाहे वो वैज्ञानिक खोजें हों, आविष्कार हों या दूसरे ज्ञान के अनुशासन हो या सामान्य अभिव्यक्ति हो, वो सब की सब एक भाषिक व्यवस्था होती है और भाषिक व्यवस्था मनोव्यवस्था के भीतर अर्थ ग्रहण करती है। किसी मनोव्यवस्था के भीतर ही उसका कोई अर्थ निकलता है, उससे बाहर भाषिक व्यवस्था का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। और ये जो मनोव्यवस्था है ये समाज व्यवस्था के भीतर पैदा होती है, विकसित होती है, खत्म होती है, और ये समाज व्यवस्था जो है, जो समाज है वो इतिहास में होता है। तो इस तरह से काव्य भी भाषिक व्यवस्था है कोई भी काव्य कृति, और इसलिए उसके समग्र अर्थ को पकड़ना तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम उसके इन विविध अर्थ स्तरों को, विविध स्तरों को परस्पर संगति में रख करके अध्ययन न करें। तो छायावाद की ऐतिहासिकता को समझने के लिए हम दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी समय की जो काव्य धारा है उसको समझने के लिए भी इन दो प्रश्नों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो रचनाओं पर, यानी उस काल की रचनाएं, और दूसरे उस काल की रचनाशीलता। तो जब हम छायावाद की ऐतिहासिकता पर बात कर रहे हैं तो एक तो हम उस समय की रचनाशीलता को समझेंगे, सामान्य रचनाएं कैसे होती थी, प्रधान प्रवृत्तियां क्या थी, इन सब बातों का, और दूसरे फिर उस समय की रचनाओं को समझना, विशिष्ट रचनाओं को समझना खासतौर से। ये इन दोनों को परस्पर जोड़कर जब हम देखेंगे तभी हम किसी समय की, किसी काव्यधारा की वास्तविक ऐतिहासिक भूमिका और उसकी ऐतिहासिक भूमिका का, यानी ऐतिहासिकता के अंतर्गत जो दोनों बातें आती हैं उनका विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो ये बात हमने पृष्ठभूमि के रूप में की है। अब हम छायावाद, जो कि आधुनिक हिंदी कविता का महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, उसकी ऐतिहासिकता पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के लिए सबसे पहले तो हम छायावाद का एक आरंभिक परिचय लें। छायावाद था क्या? छायावाद एक काव्यांदोलन था जो लगभग 1916 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक हिंदी कविता के क्षेत्र में चला। ये जो समय सीमा है, और किसी भी काव्यांदोलन की जो कालावधि की सीमा जो हम तय करते हैं वो कोई ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है, और इसलिए इस पर भी थोड़ा बहुत विवाद, थोड़ी बहुत बहस रही है आलोचकों के बीच में। कुछ लोग 1916 के बजाय 1918 की ओर जाते हैं छायावाद का आरंभ देखने के लिए, और उन उधर अंत
में 1936 के बजाय उसको 1938 तक ले जाने के पक्षधर रहते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ी सी बहस की गुंजाइश है, क्योंकि 1938 में राम की शक्ति पूजा के प्रकाशन के साथ में छायावाद का कुछ लोग अवसान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विभिन्न मतों की समीक्षा करते हुए सामान्य रूप से उसकी एक समय सीमा तय की है, जो 1916 से 1936 तक मान सकते हैं, 1935-36 में कामायनी के प्रकाशन के साथ। और ये समय सीमा जो है, इस पर लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि छायावादी काव्य आंदोलन लगभग दो दशकों तक चला, और इसकी जो आरंभिक कविताएं थीं उसमें निराला की कविता जूही की कली या सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि, इन कविताओं को आरंभिक कविताओं के रूप में देखा जाता है। कुछ दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएं भी इसमें गिन सकते हैं लोग, जिनको बताते हैं उसमें छायावादी प्रवृत्तियां दिखाते हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छी कविताएं हैं उनसे अगर हम संकेत करें तो जूही की कली और प्रथम रश्मि के आसपास से छायावाद का आरंभ दिखाई देता है। और छायावाद के आरंभ को समझने में आलोचकों ने एक मत से पल्लव की जो भूमिका है उसको बहुत महत्वपूर्ण घोषित किया है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत का प्रथम काव्य संग्रह था, और पल्लव की भूमिका जो है उसको कई लोग छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी आलोचना में वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिलकर के जो लिरिकल बैलेड्स में अपने संग्रह किया था रचनाओं का, और उसकी जो भूमिका थी जिसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कहते हैं, उसको अंग्रेजी आलोचक स्वच्छंदतावादी आंदोलन का, रोमांटिक मूवमेंट का घोषणा पत्र कहते हैं। तो उसी की तर्ज पर कई लोगों ने पल्लव की भूमिका को छायावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा है, क्योंकि छायावादी आंदोलन भी एक तरह का स्वच्छंदतावादी आंदोलन ही था, रोमांटिक मूवमेंट था। हालांकि उसकी अलग विशेषताएं भी हैं कुछ, क्योंकि जो वहां पश्चिम की परिस्थितियां थी जिस समय स्वच्छंदतावाद वहां उत्पन्न हुआ था, उससे भिन्न परिस्थितियां भी यहां पर थी। कुछ परिस्थितियां समान थी और कुछ भिन्न थी, जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, औपनिवेशिक शासन था, ये सब वहां पर नहीं था उस समय, लेकिन जो पूंजीवाद का जन्म था, प्रसार था, वो समान था, औद्योगिकरण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस पृष्ठभूमि का विवेचन हम बाद में करेंगे, लेकिन ये पल्लव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसको स्वच्छंदतावादी आंदोलन घोषणा पत्र, जो हमारा हिंदी का स्वच्छंदतावादी आंदोलन कई लोग कहते हैं छायावाद को, उसका घोषणा पत्र कहते हैं। इसके साथ साथ निराला का जो संग्रह है परिमल, उसकी भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पल्लव की भूमिका में दो तीन बातें विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जो वैयक्तिकता है, आत्म प्रसार की आकांक्षा है, जो पुरानी सीमाओं से मुक्त होने की चाह है, वो पल्लव की भूमिका में दिखाई देती है। जो ब्रजभाषा के दौर की जो रीतिकाल की घिसी पिटी कैद वाली दुनिया थी, उससे मुक्त होने की कोशिश, और इसी के साथ रीतिकालीन सौंदर्य बोध पर प्रहार करके उसको तोड़ने की कोशिश, और खड़ी बोली कविता में आधुनिक युग की स्वच्छंदता की प्रवृत्ति का उद्घाटन पल्लव की भूमिका करती है। और इसलिए भाषा के स्तर पर भी वो ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली की बहस को आगे बढ़ाती है कविता के क्षेत्र में, और खड़ी बोली को बहुत ही परिमार्जित करने का प्रयास करती है, उसमें कविता के संस्कार विकसित करने का प्रयास करती है, जो कि आधुनिक भाव की कविताएं हैं। और इसी क्रम में वो छंद के संबंध में भी बात करती है, और जो शब्दों के बिंब हैं, शब्द के चित्र होते हैं, ऐसी बात उसमें पंत जी करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो छायावाद की बहुत ही केंद्रीय प्रवृत्तियों का संकेत करती हैं, इसलिए पल्लव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी के साथ परिमल की भूमिका में भी ये प्रवृत्तियां कमोबेश दिखाई देती हैं, और हालांकि उसमें वैदिक काल से निराला जी ने उसको जोड़ करके बात किया है, गायत्री छंद का उदाहरण दिया है कि कैसे उस काल की कविता में मुक्त धर्मी चेतना थी, और उसको वो कविता का प्रधान लक्षण मानते हैं और छंद के बंधनों से मुक्ति की बात करते हैं। तो ये चीजें भी छायावाद की
केंद्रीय प्रवृत्ति का संकेत करती हैं। तो इस तरह से इन दोनों संग्रहों की जो भूमिकाएं हैं वो इस आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति को समझने में मदद करती हैं। ये आंदोलन जैसा कि हमने बताया लगभग 2 दशकों तक चला। इसमें अंतिम दौर की अगर हम रचनाएं देखें तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है अंतिम रचना है और जिसमें छायावाद की लगभग सभी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। उसके अलावा निराला जी की लंबी कविता सरोज स्मृति का समय भी उसी के आसपास है 35 के आसपास और राम की शक्ति पूजा थोड़ा सा बाद में आती है और एक तरह के संक्रमण को रेखांकित करती है जिसमें छायावाद की प्रवृत्तियां भी हैं और उनके गुजरने का संकेत भी है। राम की शक्ति पूजा जो 1938 में आती है और पंत की कविता परिवर्तन ये भी अंतिम दौर की कविता है। तो इस तरह से ये इन सब कविताओं से लगभग छायावाद का अवसान काल संकेतित होता है और ये पूरा दौर है जिसमें कई सारी रचनाएं लिखी गई और इन रचनाओं के भीतर से देखते हुए हम इस काल की रचनाशीलता को समझने की कोशिश करेंगे। नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में यह बात रखी है अपने शोधों से कि मुकुटधर पांडे का कोई लेख प्रकाशित हुआ था और वहां छायावाद शब्द का प्रयोग हुआ था और इस तरह से छायावाद शब्द चलन में आया इस प्रकार की कविताओं के लिए। और ये जो है खड़ी बोली हिंदी में आधुनिक कविता का आरंभ एक प्रकार से छायावाद से ही होता है ठीक तरह से, क्योंकि उसके पहले तो केवल कोशिश दिखाई देती है कि खड़ी बोली में किस तरह बात की जाए कविता की, लेकिन वो परिमार्जन कविता का जो संस्कार है आधुनिक कविता का जो संस्कार है वो खड़ी बोली में छायावाद के भीतर ही आकार ग्रहण करता है। और छायावाद नाम जो है उसकी चर्चा वो मुकुटधर पांडे के एक लेख से डॉक्टर नामवर सिंह ने मानी है। तो इस तरह से छायावाद क्या है, उसका आरंभ कैसे हुआ, उसके अंतिम दौर की रचनाएं कौन सी थी, लगभग कितने समय तक रहा, उसने क्या चीजें थी, यानी आधुनिक चेतना कैसे उसमें कविता के क्षेत्र में प्रकट हुई, तो ये सारी बातें छायावाद से संबंधित हैं जिनको हमने छायावाद के आरंभिक परिचय के रूप में आपके सामने रखा। अब आगे बढ़ते हैं और छायावाद की परिभाषाओं की ओर हम जाते हैं कि छायावाद पर विचार किस तरह से किया है लोगों ने। तो इसमें हम हिंदी आलोचना के भीतर से छायावाद को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं छायावाद की ही एक प्रसिद्ध कवियत्री के कथन से। उन्होंने कहा है, महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि ये ससीम में असीम झांकी छायावाद को, यानी ससीम में असीम कैसे आता है, ससीम का मतलब कैद, सीमाओं में, और ससीम बहुत संदर्भ सीमित शब्द नहीं है, हम कह सकते हैं ऐतिहासिक के भीतर देश कालातीत या सत्य कैसे आता है या रहस्य का भी ये बात संकेत करती है। तो इस प्रकार की शब्दावली का महादेवी जी ने प्रयोग किया है छायावाद को स्पष्ट करने के लिए। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के बारे में मुख्यतः दो बातें की हैं। एक तो वो इसको चित्र भाषा पद्धति कहते हैं ये एक नए ढंग की चित्र भाषा पद्धति है, और दूसरे वो ये कहते हैं कि इसकी विषय वस्तु बहुत नई नहीं है, ये जो पुराना रहस्यवाद था वो रहस्यवाद, पुराना रहस्यवाद फिर से नई बोतल में पुरानी शराब की तरह की बात है कि पुराना है लेकिन इसकी शैली नई है, चित्र पद्धति है, नए ढंग की भाषा में बात करते हैं जिसमें चित्रात्मकता है, दिखाई देता है, जिसमें शैली की नवीनता को वो स्वीकार करते हैं, विषय वस्तु पुरानी मानते हैं। बड़े घोर विरोधी थे कविता के क्षेत्र में, रहस्य भी वो दो भागों में बांटते हैं, एक स्वदेशी रहस्यवाद एक विदेशी रहस्यवाद, और वो कहते हैं इसमें जो रहस्यवाद है वो भी हमारी भारतीय परंपरा का नहीं है, ईसाई संतों से जोड़ते हैं उसको फैंटस मेटा या छायावाद से जोड़ते हैं, और फिर वहां से जोड़ते हुए बंगाल की ओर आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की ओर आते हैं और वहां से कहते हैं कि वो हिंदी में प्रभाव आया। तो इस तरह से घुमा फिरा करके वो बोलते हैं कि ये बाहर का जो रहस्यवाद है कैसे घूमता हुआ नकल की प्रवृत्ति से हिंदी कविता के क्षेत्र में आया है, वो बड़ा अच्छा नहीं मानते इसको, और शैली की नवीनता के लिए उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं।
तो इससे ये दिखाई देता है कि जिस दृष्टि के वो खुद बड़े समर्थक हैं, जो कि शैली को अलग करके और विषय वस्तु को अलग करके पढ़ने के समर्थक नहीं है इस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल बहुत, लेकिन वो खुद यहाँ पर ऐसी बात करते हैं, उससे पता चलता है कि छायावाद को चूंकि उसके समकालीन आलोचक थे तो कुछ सीमा तक वो समझ नहीं पाए, और इस बात को लेकर के उनका प्रसाद और निराला से वाद प्रतिवाद भी हुआ। प्रसाद ने भी काव्य और कला जैसे के संबंध में विवेचन करते हुए कुछ निबंध लिखे, उनका प्रत्युत्तर देते हुए और भारतीय परंपरा का साबित किया है छायावाद को, और इसी तरह से निराला ने भी पुराने वैदिक छंदों गायत्री छंद आदि से मुक्ति की धर्मी चेतना का संबंध स्थिर करके रामचंद्र शुक्ल को जवाब देने का प्रयास किया। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार से कवियों और आलोचकों के बीच में सहमति नहीं थी रामचंद्र शुक्ल के बीच में, और इस पर विवाद था। बाद में नंद दुलारी वाजपेयी ने भी रामचंद्र शुक्ल पर इस चीज का आरोप लगाया कि वो छायावाद के संबंध में पूर्वाग्रस्त हो गए हैं, नहीं समझ पाए हैं। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने जो छायावाद की परिभाषा की, वो उन्होंने कहा कि ये व्यक्त जगत में आध्यात्मिक सत्ता का भान है। इसमें भी लगभग जो महादेवी वर्मा ने बात की थी, व्यक्त जगत या सीमाओं वाला जो जगत है उसके भीतर असीम का भान, उसकी झांकी जैसी कुछ बात थी, और उसको आध्यात्मिक अर्थ देने का प्रयास किया नंद दुलारी वाजपेयी ने। तो ये हम देखते हैं कि उसी प्रकार की कुछ बात दिखाई देती है। इसके बाद फिर डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को परिभाषित किया और उन्होंने इसे स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा। ये काफी हद तक अच्छी परिभाषा है छायावाद की, क्योंकि ये बहुत सीमित परिभाषा है, मतलब कम शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसमें बहुत ज्यादा बात कही गई है, और जो सूक्ष्मता है वो वास्तव में छायावाद की बहुत खास विशेषता है, क्योंकि आधुनिक चेतना सूक्ष्म चेतना है, सूक्ष्मता की चेतना है, सौंदर्य बोध भी सूक्ष्म है, चित्रण भी सूक्ष्म है, और जो द्विवेदी की वृत्तात्मकता थी, ऊपरी ऊपरी स्तर का वर्णन था घटनावादी का, तो वो सब इसमें बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से नगेंद्र की परिभाषा काफी चीजों को समेट लेती है, लेकिन छायावाद की ऐतिहासिक जो ता है उसकी ओर संकेत नहीं करती। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद का जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन पर जो आधार था उससे जोड़ करके और शक्ति काव्य के रूप में उसका विवेचन करने का प्रयास किया है, और ये दिखाया है कि छायावाद एक शक्ति काव्य है, जैसे कि कामायनी के संबंध में विशेष रूप से चर्चा करते हैं, प्रसाद उनके प्रिय कवि हैं, तो वो दिखाते हैं कि ये शक्ति काव्य है और जागरण का काव्य है, तो इस पहलू को उन्होंने उभार करके रखा। डॉक्टर नामवर सिंह ने कई सारी जो प्रवृत्तियां हैं उनको महत्वपूर्ण माना है, वो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से मिली जुली है, और उनका कहना है कि ये एक विशिष्ट दौर था दो दशकों का जिसमें कुछ मिली जुली प्रवृत्तियां थी, और उनके लिए एक नाम है छायावाद। तो हम छायावाद की प्रवृत्तियों की ओर आते हैं कि छायावाद की प्रवृत्तियां क्या थी। नामवर सिंह ने छायावाद में तीनों प्रवृत्तियों को अलग अलग भी दिखाया है। उन्होंने कहा कि जो स्वच्छंदतावाद है वो वास्तव में रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा है, और जो रहस्यवाद है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने की जो प्रवृत्ति है लालसा है, और छायावाद जो है वो चित्रण की सूक्ष्मता है। लेकिन ये इतना अलग अलग भी नहीं है, ये काव्यांदोलन था जिसे छायावाद नाम दिया गया, और तीनों चीजें एक ही है, उस ऐतिहासिक धरातल पर एक ही चेतना से प्रकट होती है। तो छायावाद की प्रवृत्तियों में हम इन तीनों बातों को गिन सकते हैं प्रधान रूप से, एक तो जो चित्रण की सूक्ष्मता है, दूसरे रूढ़ियों से मुक्ति की जो विद्रोही चेतना है जिसको हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं वो, और तीसरे अज्ञात की ओर लालसा जिज्ञासा उन्मुखता जो कि रहस्य भावना का स्वरूप ग्रहण करती है, ये तीनों चीजें छायावाद की प्रधान प्रवृत्तियों में से आती है। इसके बाद छायावाद की जो चौथी प्रवृत्ति है वो है वैयक्तिकता की, इंडिविजुअलिज्म, और यह वैयक्तिकता छायावाद की बहुत प्रधान प्रवृत्ति है, यह आधुनिक चेतना के साथ में आती है और प्रतिफलित होती है। जो चित्रण की सूक्ष्मता की हमने बात की थी, प्रकृति और नारी सौंदर्य के चित्रण में भी दिखाई देती है वो सूक्ष्म दृष्टि। इसके साथ
जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उसे शक्ति काव्य कहा था और राष्ट्रीय जागरण से उसको जोड़ा था, वो भी छायावाद की एक प्रधान प्रवृत्ति है जिसमें राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति होती है। और इसकी जो बहुत ही प्रधान प्रवृत्ति एक है, जो स्वच्छंदतावाद के पीछे की प्रेरक शक्ति है, जिसे नामोर सिंह ने कहा है भावावेग से प्रेरित सबल कल्पना, यह छायावाद की प्रधान प्रवृत्ति है जो स्वच्छंदतावादी स्वरूप देती है, जो रोमांटिक मूवमेंट की प्रधान प्रवृत्ति होती है। ये पश्चिम के रोमांटिक मूवमेंट में भी प्रधान प्रवृत्ति थी, जो वर्ड्सवर्थ कॉलरिज आज आदि के समय में थी, तो वो यहां भी है। और भावावेग से प्रेरित जो सबल कल्पना है, वो पंख उड़ाकर आसमान में चल देती है और बिंबावलियां उड़ेलती चलती है, और उसके लिए हम कह सकते हैं एक तरह का स्वीप ऑफ इमेजिनेशन जो उसमें आता है, तो वो सबल कल्पना बिंब रचती है। तो ये छायावाद की प्रधान प्रवृत्ति है। अब इसके बाद छायावाद के शैली पक्ष की कुछ प्रवृत्तियों को हम देखेंगे, उसकी विशिष्टता को, कि इसमें लाक्षणिक और व्यंजनागर्भी प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ है, लाक्षणिक लक्षण और व्यंजना शक्तियों का बहुत प्रयोग हुआ है। प्रगीत भावना जिसे हमने कहा वो छायावाद में है, यानी पर्सनल क्वालिटी, लिरिकल जो पोएट्री होती है उसकी पर्सनल क्वालिटी जो होती है वो प्रगीत भावना कहलाती है। ये दो तरह के रूप होते हैं मुख्य रूप से, एक तो प्रगीतात्मक होते हैं, दूसरे नाटकीय रूप होते हैं, ड्रामेटिक फॉर्म। तो ये जो प्रगीत भावना है, एक तरह की भावात्मक निर्मुक्ति से पैदा होती है, इमोशनल रिलीज से पैदा होती है, और जिस समय कोई चेतना मुक्त होती है तो वो प्रगीत में अपनी अभिव्यक्ति करती है। तो ये छायावाद में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो रूढ़ियों से जो चेतना स्वच्छंद होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है प्रगीत भावना में, और वही मुक्त छंद को भी जन्म देती है। जो छंद मुक्त छंद का अर्थ, जैसे निराला ने कहा, छंद के बंधनों से मुक्ति, नूपुर के सुर मंद रहे जब तक न चरण स्वच्छंद रहे, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आतु प्रिय, छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह। तो ये प्रेरणा है मुक्त छंद की, और यही प्रगीत भावना है। इससे जो पुराने गीत का जो ढांचा था वो टूट जाता है, कि यहाँ पर इतनी मात्राएं, इतने चरण, इसमें इतने पर्यति, इतने पर गति, ये जो बंधन टूट जाते हैं और भावावेग जो है वो अभिव्यक्त होता है, इमोशनल रिलीज व्यक्त होती है और कल्पना पंख लगाकर उड़ चलती है। तो ये प्रगीत भावना का लक्षण है, मुक्त छंद में प्रकट होता है। इसके साथ दो विशेष नए अलंकार भी इसमें आते हैं, मानवीकरण और विशेषण विपर्यय। क्योंकि जब भावावेग होता है तो जवान लड़खड़ाती है, और जवान लड़खड़ाती है तो हम ये देखते हैं कि विशेषण इधर के उधर हो जाते हैं, वो भावावेग का संकेत करते हैं। तो इस तरह के तुतला भय, सुरीला हाथ, इस तरह के हमें दिखाई देते हैं, सिखा दो ना ए मधुप कुमारी। तो ये लिंग वैचित्र भी दिखाई देता है, कौन हो तुम बसंत के दूत श्रद्धा के लिए। तो ये प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। मानवीकरण, संध्या सुंदरी, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वो संध्या सुंदरी। तो ये मानवीकरण और विशेषण विपर्य, ये नए अलंकार हमें दिखाई देते हैं। भावानुकूल शास्त्रीय छंदों का प्रयोग दिखाई देता है, खासतौर से पंत ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, निराला ने भी किया है, प्रसाद ने भी किया है। पंत ने विशेष रूप से पल्लव की भूमिका पढ़े तो आप छंद के बारे में बारीक विवेचन देखेंगे, और लोक छंदों का भी परिष्कार किया है, जैसे कि आला है, कखा है, लावनी है, इस तरह के छंदों का परिष्कार करके प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप कामायनी में देखें आला छंद, उसकी मात्राओं में एक आध इधर उधर के उस छंद का प्रयोग किया गया, इसे वीर छंद कह सकते हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ, शिला की सी तल छा, तो ये जो लोक छंद का परिष्कार करके प्रयोग कर लिया गया है। फिर जो हम देखते हैं कि जो औपम्य विधान है वो भीतरी साम्य पर आधारित है, आभ्यंतर साम्य पर आधारित उपमा विधान है, इसमें बाहरी उस पर दृष्टि नहीं है, ये भी सूक्ष्मता का प्रभाव है दृष्टि में। जैसे हम देखते हैं आधुनिक चेतना आती है तो पुराने ढंग की अलंकार योजना ही दिखाई देती, पहले महिलाएं सजती थी तो कान में नाक में अलग से आभूषण लटके रहते थे, आज के समय में हम देखते हैं कि वो जो सौंदर्य चेतना है बदल गई है, अब तो लिपस्टिक भी इस तरह से लगाई जाती है कि वो अलग से न दिखाई दे, जो त्वचा का रंग है उससे बहुत मिलती जुलती हो। तो ये जो भीतरी साम्य है, जो सौंदर्य की चेतना, ये आधुनिक चेतना का लक्षण है। और वहां हम देखते हैं कि जैसे हम पंथ का देखें बादल, तो बादल के दू कितनी उपमाओं में, बारीक बारीक उपमाओं में कभी जाता है, वो भीतरी साम्य पर आधारित है, कोई बाहर से उसकी नाप जोख करके उस तरह से नहीं समझा सकता, जैसे कि रीतिकालीन कविता में या मध्यकालीन कविता में दिखाई देता है।
तो ये परिवर्तन छायावाद की कविता में होता है, कुछ अंग्रेजी का भी प्रभाव है, कुछ वहां से अनुवाद करके भी शब्द बनाए हैं। पंत ने खास तौर से काफी शब्द बनाए हैं, जैसे कि अंडरलाइंड के लिए रेखांकन, ब्रोकन हार्ट के लिए भग्न हृदय, गोल्डन ड्रीम के लिए स्वर्णिम स्वप्न, इसी तरह से महादेवी ने बेटर हाफ के लिए उत्तमांग, टीवी के लिए चित्रपट, रेडियो के लिए वाकपट, इस प्रकार के शब्द जो है हम देखते हैं कि अनुवाद से भी उसमें आते हैं। और निराला की कविता में खासतौर से बंगला ध्वनियों का भी प्रभाव है, जो उस कोमलकांत पदावली है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है बंगला ध्वनि का निराला के यहाँ। तो ये छायावाद जो है वो वास्तव में आधुनिक चेतना की अभिव्यक्ति है काव्य के क्षेत्र में, और इस तरह से वो आधुनिक सौंदर्य बोध की भी अभिव्यक्ति है। आधुनिक से मेरा मतलब ये है निर्णय की स्वाधीनता और उसकी उत्तरदायिता, यानी निर्णय लेने वाला मैं हूं, अपने निर्णयों का उत्तरदायित्व तो भी मेरे ऊपर है, इस प्रकार की चेतना का जो विकास है वो आधुनिक चेतना है। और ये आधुनिक जो शब्द ये मैं व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, आप ऐसा ना समझें कि ये आधुनिक केवल इसी युग में आया। कबीर भी एक विशेष अर्थ में आधुनिक थे जब वो कहते हैं पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, सेल्फ एनलाइटेंड हो गया, अपना दीपक अपने हाथ में, न लोक से देखने की जरूरत रही, न वेद से देखने की जरूरत रही कि किस पर किसी और के ऊपर आश्रित होकर के देखें। तो ये जो निर्णय की स्वाधीनता है और उसके बाद उसके उत्तरदायित्व को ग्रहण करने का जो साहस है, यही आधुनिक चेतना का लक्षण है। और जब व्यक्ति देख लेता है कि पीछे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, वो वर्तमान में स्थित होता है, तो ये ही उसका आधुनिक होना है। पर ये सामाजिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर एक प्रवृत्ति के रूप में हम ये देखते हैं। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो परंपरा और आधुनिकता का एक विशिष्ट संबंध हमें 18वीं 19वीं सदी से 20वीं सदी के बीच के दौर में दिखाई देता है, संक्रमण के दौर में। और उसके पीछे कई सारी चीजें हैं, जैसे कि औद्योगिकरण है, नई शिक्षा है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों की नए प्रकार की न्याय प्रणाली है। और अगर आप डेविड जी मेंडलबाम की पुस्तक पढ़ें तो उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली थी वो हमारे यहाँ की पुरानी न्याय की संकल्पना से अलग थी, उससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती थी। तो ये आधुनिकीकरण की समस्याएं थी, और नए ढंग की शिक्षा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, औद्योगिकरण, और पूरी दुनिया में 20वीं सदी में जो लोकतंत्र आ रहा था, उस लोकतंत्र की ओर झुकाव, उसके आधार में यही आधुनिक चेतना है। और फिर हम देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र सीमित होता है, उद्योगों का विस्तार, सेवा क्षेत्र का विस्तार, तो ये सारा विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, चाहे न्याय है, जो शिक्षा है, लोकतंत्र है, राजनीति है, तो उसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि आधुनिक चेतना और आधुनिक सौंदर्य बहुत प्रतिफलित होता है। तो ये आधुनिक है, आधुनिक से मेरा अर्थ ये सर्वश्लेषी अर्थ में मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। इसके बाद हम उस विशिष्ट दौर में आधुनिकता को समझने के लिए हमें देखना होगा कि 18वीं 19वीं सदी का जो पारंपरिक भारतीय समाज था वो कैसा था। तो उसकी दो विशेष केंद्रीय पहचानें थी, एक तो संयुक्त परिवार और दूसरी जाति प्रथा। संयुक्त परिवार का मतलब साझा चूल्हा। आप समाज शास्त्र के क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी ज्यादा तकनीकी शब्दावली की ओर चले जाएंगे, मेरा मतलब यह है कि साझा चूल्हा बनता था। और संयुक्त परिवार आप प्रेमचंद के यहाँ देखेंगे तो संयुक्त परिवार के टूटने के अलग्योझा और इस तरह की कई सारी कहानियां हैं, तो और जाति प्रथा पर भी कई सारी कहानियां हैं, ठाकुर का कुआं, सवा शेर गेहूं और इस तरह की कहानियां, तो हम देखेंगे ये लगभग उस समय की करेक्टरिस्टिक है, पहचान है, संयुक्त परिवार जाति प्रथा जो चली आ रही थी। और पिछले दो सदियों में जो जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस आधुनिकता पर हम अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, तो वहां इन दो चीजों से हम उस समय भारतीय समाज की पारंपरिकता को समझ सकते हैं। और इस संयुक्त परिवार में जो स्त्री पुरुष संबंध होते थे वो अलग तरह के होते थे, इसको हम रीतिकाल का साहित्य, मध्यकाल का साहित्य देख करके पहचान सकते हैं। तो ये स्त्रियां कई बार घर के अंदर एक साथ रहती थी, पुरुष बाहर रहते थे, अंदर बाहर का विभाजन बहुत स्पष्ट था, विवाह भी अलग तरह से होते थे। अगर आप अपने बुजुर्गों से बात करें तो वो बता सकते हैं, तो पीछे तो विवाह आप सोच भी नहीं सकते, आज के समय में क्या है कि विवाहों में लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और इस तरह से मिलते हैं, और आधुनिक रोमांस जो है तो वो नहीं होता था। विवाह का अर्थ था जैसे कई बार बड़े बुजुर्ग देख लेते थे जिनका विवाह हुआ है, उनको एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। कई बार गांव का नाई जो है वो तय कर देता था जाकर के विवाह। तो ये सारी चीजें थी, पहले का जो ढांचा था उसमें अलग किस्म से होते थे।
और इसके साथ ही मध्यकाल में स्त्री की स्थिति भी अलग प्रकार की थी। रामचरितमानस को अगर देखेंगे तो आप पता चल जाएगा। पद्मावत को पढ़िए, देखिए दारुण ससुर निक्षय देही, आप जो पढ़ते हैं मानसरोधक खंड में देखिए। तो इस प्रकार से मध्यकाल में स्त्री की स्थिति को देखेंगे तो ये संयुक्त परिवार और जाति प्रथा, और जाति प्रथा की ओर अगर हम आते हैं तो मैक्स वेबर ने उसकी दो विशेषताएं बताई खास तौर से, एक तो छुआछूत कमेंसलिटी और दूसरा विवाह का घेरा कनुबियम। विवाह के घेरे का अर्थ है कि एक तो गोत्र बहिर्विवाह क्लैन एक्सोगेमी और कास्ट इंडोगेमी यानी जाति अंतर विवाह, गोत्र के बाहर और जाति के भीतर यहीं पर विवाह हो सकता था, तो ये उसकी पहचान है। और कमिंसलिटी यानी छुआछूत, आगे इस छुआछूत का विश्लेषण करते हुए लुई ड्यूमा ने बताया कि ये पवित्रता और अपवित्रता की भावना पर आधारित थी, सैक्रेड और प्रोफेन के विभाजन पर आधारित थी। उसने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है जाति प्रथा का। और ये जो पवित्रता अपवित्रता की धारणा है ये केवल जाति प्रथा पर ही नहीं थी, ये और क्षेत्रों में भी थी, जैसे कि हम जैसे कि रजस्वला होना स्त्रियों का, उस समय न छूना आदि कई सारी चीजें, या मृतक के समय में जो हम देखते हैं सूतक आदि होते थे, और उसके अलावा जैसे चरणा, कुछ जगह पर यह भी था कि जो जूठी चीजें थी जैसे जूठा खाना पवित्रता से संबंधित था, लेकिन चरणामृत पवित्र माना जाता था। कई जगहों पर पति का चरणामृत लिया जाता था, तो ऐसी प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये पवित्रता अपवित्रता का जो विभाजन था सैक्रेड प्रोफेन का, ये दिमाग में था, ये आधार था, और जाति प्रथा में भी इससे था, कई बार छू लेने से अपवित्र हो जाते थे। तो ये चीज हमें दिखाई देती है, ये उसके आधार में थी। और फिर जो आर्थिक राजनीतिक प्रणाली थी उसको जजमानी व्यवस्था के सहारे स्पष्ट किया जा सकता है, जिसको कहते थे कि जजमान जातियां होती थी, और कमीन शब्द गाली बन गया बाद, मतलब काम करने वाली जातियां, और वो उनको नीची जातियां कहा जाता था, और एक पुरोहित जातियां होती थी, तो वो यज्ञ हुआ पूजा कराना, तो एक तरह की रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी थी, और उस पर जजमानी व्यवस्था आधारित थी, जहां पर जजमान के यहाँ सब इकट्ठा होता था, फिर कमीन जातियों में बंटता था, वो उसके लिए काम करती थी। तो ये आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक प्रणाली थी, और ये उससे जुड़ी हुई थी जाति प्रथा से, और संयुक्त परिवार का ढांचा था। तो ये भारत का ढांचा था मोटे तौर पर, लेकिन ये जो ढांचा है ये ढांचा बना नहीं रह सका आधुनिकीकरण के कारण। कि जब क्यों, जब रेलें आई तो इसकी रेल मच गई, क्योंकि रेलें लोहा इस्पात दूसरे उद्योग परिवहन यातायात आधुनिक शिक्षा कानून विश्वविद्यालय शिक्षा कल कारखाने कार्यालय चीजें आने से संभव नहीं रहा। क्यों, मान लीजिए रेल पे आप जा रहे हैं, तो रेल जा रहे हैं तो चाहे पंडित जी हो चाहे फिर वो कोई दलित हो और अगल बगल बैठे हैं तो रगड़ेगा ही हाथ, क्योंकि आप जो है छुआछूत से बच तो सकते नहीं, क्योंकि टिकट तो उसने भी लिया है ना। तो ये समस्या, अब धीरे धीरे आधुनिकीकरण ने देश काल में बड़े बदलाव उपस्थित कर दिए, जो पुराना ढांचा था गांव से उठा करके नौकरी के लिए कलकत्ता पहुंच गए, तो ये समस्या है। इसी तरह से संयुक्त परिवार का ढांचा भी टूटने लगा, और स्त्री शिक्षा भी इसी से जुड़ी हुई हम देखेंगे। आरंभ में बड़ी समस्याएं थी स्त्री शिक्षा में, आप जेईडी बैथून का काम, जो ईसाई मिशनरियां थी, बंगाल का नवजागरण, कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फुले, शिवप्रसाद सितारे, हिंद भारतेंदु मालवीय, सर सैयद अहमद खां वगैरह, इनका इतिहास देखें, बुड का डिस्पैच देखें, उच्च शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ, और ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये स्त्री शिक्षा आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई है। तो कृषि आधारित जो स्थिर समाज था वो टूटने लगा, और गोदान की कथा आप देखें यही है एक तरह से, कि वो संकेत देता है गोदान अंतिम रूप से कि गाय किसान के घर को छोड़ चुकी है, जो न केवल उसका योक बनाती है बल्कि उसकी पूंछ पकड़ करके परलोक भी बनाते थे, तो वो किसान का घर छोड़ चुकी है, ये संकेत गोदान की कथा से मिल जाता है। अब ये जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन उस समय चल रहा था, इसके पीछे इसमें कुछ चीजें हम ध्यान दे लें। एक तो औपनिवेशिक मध्यवर्ग का जन्म और प्रसार जो हुआ था औपनिवेशिक आवश्यकता से, और विदेशी पूंजी की छत्रछाया में फिर देशी पूंजीवाद का विकास हुआ पहले, फिर देशी पूंजीवाद के जो हित थे वो विदेशी पूंजीवाद के हित दोनों एक दूसरे के आड़े आने लगे, उनके बीच में संघर्ष हुआ, और तरह से स्वदेशी आंदोलन का जन्म होना। दूसरे ये जो मध्यवर्ग था इसमें औद्योगिक मध्यवर्ग भी विकसित होने लगा, जो औपनिवेशिक मध्यवर्ग था उसके साथ साथ उसमें अपने गौरव की चेतना अपनी स्वाधीनता की चेतना आई, और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा तो उसमें अपनी पुरानी संस्कृति के गौरव को देखा और पुनरुत्थान भावना विकास हुआ, तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, और फिर उससे समाज के दूसरे वर्ग जुड़े
जो प्रसारशील मध्य वर्ग था जिसमें स्त्रियों के संघर्ष, किसानों मजदूरों के संघर्ष, नीची जातियों के संघर्ष, और ये सब छायावाद में अभिव्यक्त होता है। विशेष तौर से निराला के यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरह अभिव्यक्त होता है, और बाकी लोगों के यहाँ भी जैसे कामायनी में मध्य वर्ग की प्रसारशील चेतना अभिव्यक्त होती है। तो ये जो छायावाद का आंदोलन है, इस आंदोलन में हम ये देखते हैं कि इसकी जो केंद्रीय प्रवृत्तियां उनमें वैयक्तिकता, स्वच्छंदता और सूक्ष्मता, ये उस युग से आती हैं। और प्रसाद के काव्य में जो समाज हम देखें, कामायनी में जो व्यक्तिवादी प्रसारशील चेतना है, मनु के चरित्र में उसका द्वंद्व उपस्थित होता है। जैसे वो कहता है मैं खोज वन गुहा कुंज मरुवंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास, तो ये द्वंद्व और श्रद्धा और ईड़ा के बीच में उसका तनावग्रस्त होकर के टूटना, पहले जब चिंता सर्ग में उसके सामंती वैभव का पतन, ये सारी चीजें हम देखते हैं। दूसरे नारी के संबंध में जो दृष्टि है उसमें प्रसाद के हम अंतर्विरोध भी कुछ देखते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव हम प्रतिक्रिया प्रसाद की देखते हैं। खास तौर से लज्जा सर्ग और श्रद्धा सर्ग को आमने सामने रख करके देखें तो हमें बड़ा साफ दिखाई देता है। लज्जा सर्ग में वो कहते हैं मैं आज समझ तो पाई हूँ दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। तो ये जो अबला की जो समझ है, जो दुर्बलता में सौंदर्य देखने वाली जो समझ है, ये समझ लज्जा सर्ग में अभिव्यक्त होती है, दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है उनका। आगे वो कहते हैं जो आप बार बार लिखते हैं निबंधों में कई जगह कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यहाँ उसको जो कहा गया है तो एक तो अर्थ ये हो गया कि नारी नदी है और पुरुष जो है विश्वास रूपी पर्वत है, हिमालय, और उसके चरणों में बहती रहे, धोती पखारती रहे। तो ये जो दृष्टिकोण है, और इसमें परंपरा की ओर भी संकेत कर दिया गया कि विश्वास रजत नग पगतल में, पगतल मतलब पैर में, रजत का यानी चांदी का जो नग पड़ा हुआ है जिसको बिछिया बोलते थे वो पहना हुआ है, और लज्जा में आंखें झुक जाती हैं, तो स्त्री बाहर निकल रही है, स्त्री बाहर के समाज से अंतरक्रिया में आ रही है आधुनिक युग में, तो समस्या उत्पन्न हो रही, जो पुराना ढांचा है उसमें समाज में समस्या उत्पन्न हो रही है, और समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि वहां किसी मिस्टर से मुलाकात होती है और उससे लज्जा उत्पन्न हुई तो नजर नीचे जाती है, नजर नीचे जाती है तो पति का ध्यान आता है, वहां बिछिया पहनी हुई है किसी के नाम की। तो ये संकेत, अब ये जो दृष्टिकोण है, ये जो अंतर्द्वंद्व है, ये वहां दिखाई देता है। और श्रद्धा सर्ग में हम देखते हैं तो बड़ी स्वच्छंदता की प्रवृत्ति जो दिखाई देती है छायावाद की, कि बढ़ा मन और चले ये पैर, मतलब मन का और शरीर का ऐसा संबंध है, और पहाड़ शैल मालाओं का श्रृंगार, पहाड़ों की मालाओं का अकेले श्रृंगार करती हुई एक लड़की घूम रही है श्रद्धा, तो ये एक स्वच्छंद किस्म का सौंदर्य। और फिर दूसरी ओर ये दृष्टिकोण, ये दोनों परस्पर विरोध में दिखाई देते हैं। तो बहरहाल अलग अलग कवियों की अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं, और राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी पेशोला की प्रतिध्वनि, महाराणा का महत्व, इन सब कविताओं में दिखाई देती है प्रसाद के यहाँ। ये हम देखते हैं निराला के यहाँ स्वच्छंदता की प्रवृत्ति ज्यादा खुल करके व्यक्त होती है। जैसे जूही की कली में हम देखते हैं वन बेला अपने आप में प्रतीक है, जंगल की बेला, वो उसकी स्वच्छंदता। फिर हम बादल राग में वो चीज देखते हैं आक्रोश, गर्जन और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति, और वो सरोज स्मृति के सौंदर्य वर्णन में भी दिखाई देती है, राम की शक्ति पूजा में दिखाई देती है। तो निराला योद्धा किस्म के कवि रहे हैं, और राम की शक्ति पूजा में भी वो चीज दिखाई देती है। फिर तुलसीदास भिक्षुक तोड़ती पत्थर तक, वो स्वच्छंद चेतना और मुक्त छंद में प्रतिफलित होती है। पंत के यहाँ वो सहज सुकुमारता में दिखाई देती है, शैशव की प्रधानता दिखाई देती है, और महादेवी वर्मा के काव्य के केंद्र में नारी की पीड़ा मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो अलग अलग कवियों में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं उस समय के परिवर्तनों को लेकर उपस्थित दिखाई देती हैं। तो हम ये देखते हैं कि रचनाओं के स्तर पर अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन प्रधानतः उस समय की रचनाशीलता की प्रवृत्ति को अगर हम देखें तो उसकी ऐतिहासिकता हमें समझ में आती है छायावाद की। तो ये जो हिंदी प्रदेश की चेतना है उसका आधुनिकीकरण में, उसकी सौंदर्य चेतना का आधुनिकीकरण करने में छायावाद की ऐतिहासिक भूमिका महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।